जम्मू और उसके आसपास में अगर बात करें तो बाल कटने की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जिस तरह से हमने आपको कल रात को बताया, जम्मू की ओल्ड सिटी टांगे वाली गली में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई। कल कटरा में भी दो केसेस सामने आए और एक दिन पहले श्रीनगर में भी एक लड़की की इसी तरह से चोटी कट गई। इन्हीं सब चीजों में जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कल रात को 8 बजे की बात है, मनीषा देवी जो कि बाहु फोर्ट के पास कच्चा तालाब एरिया है वहां के रहने वाले हैं, जब वो वॉशरूम की साइड गए तो वहां पे उनको ऐसा लगा कि कोई चीज उनको पीछे से खींच रही है और उसने उनके मुताबिक किसी चीज ने उनके जो है बाल खींचे। हम उनसे बात करने के लिए उनके घर पे आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बाहु फोर्ट का ये कच्चा तालाब एरिया है, यही मनीषा जी का घर है और यही उनका जो है आंगन है। घर पे इस तरह का ये इंसिडेंट सामने आया। अगर हम बात करें, मनीषा देवी जी 42 साल की उनकी उम्र है, जब वो शाम के टाइम बाहर आए तो उस टाइम इस तरह का एक इंसिडेंट सामने आया। जब उनके हस्बैंड ने पीछे से उनको जो है देखा तो वो उनके जो है बाल कट चुके थे। फिलहाल मैं आपको मिलवाऊंगा मनीषा जी से कि क्या हुआ था उस टाइम। मैम कितने बजे की बात है, क्या हुआ था, क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे उस टाइम, क्या हुआ था ये बताइए। अच्छा, मैंने बोला मेरे को किसी ने पकड़ लिया जी। से जी, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? परछामा। तो फिर आपको कब पता चला आपके बाल कट गए हैं? जब मैं इधर से खड़ी हुई ना तो मेरे को ऐसे ऐसे किया मैंने, तो वो नीचे गिर के बाद मेरे सारे। आप दिखाएंगे वो बाल कहाँ पर है, बाहर निकाल के दिखाइए। ये रात की 8 बजे की घटना है, जब मनीषा जी वॉशरूम जा रहे थे तो वहां पर इनके मुताबिक इनका ये कहना है कि किसी चीज ने इनके जो है बाल खींचे और उसके बाद जब इनके हस्बैंड बाहर आए तो उसके बाद उनको पता चला कि इनके जो है बाल कट चुके हैं। तो आपको जब आपको किसी ने, जिसे आप कह रहे हैं कि बाल आपके खींचे, तो उस टाइम क्या मतलब आपको कुछ पीछे नजर तो नहीं आया? परछाई नजर आई थी। बाहर लाइट जल रही थी उस टाइम, तो क्या क्या नजर क्या आया आपको? ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई आया। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला बाल कट गए? खींचा उसने पीछे से मेरे को। अच्छा, तो फिर आपको किसने बताया कि आपके बाल कट गए? मैं बाहर आई थी, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया तो गिर गए नीचे। अच्छा जी। सर आपका क्या नाम है, क्या हुआ था कल, किस टाइम की बात है जब आपको पता चला कि आपके वाइफ के बाल कट? 8:15 की बात है। अच्छा, बाथरूम में गए थे तो उधर से इसकी तीस मारी थी, जिस बारी पर मैंने सोचा पता है क्या हो गया। जब आए थे मुझे इसने पकड़ के रखा तो फिर मैंने इसने बाल किए पीठे गिर गए, और नीचे गिर गए बाल, नीचे गिर से फिर मैंने उठाया सर, तो इसे बचने में थोड़ा शोर डाल दिया तो मल्ले वाले लोग आ गए। जिस तरह से कह रहे हैं इनको कोई कुछ परछाई नजर आई, आपको नजर आई? नहीं, मैंने नहीं। आपको वो बाथरूम में जब बाहर थे खड़े थे। अच्छा, हम इसी इधर खड़े थे। ठीक है, तो आपने जब इनके पास गए तो बाल कट गए हुए थे इनके? नहीं, बाल तो बाहर काटे हैं, वो पता नहीं चला कैसे कटे, वो नहीं पता नहीं कैसे। आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है, इतनी सारी वारदातें हो रही हैं जम्मू में, क्या हो सकता है? मुझे पता नहीं, ये लोग बोल रहे थे हम यकीन नहीं करते, ऐसे लोग बोल रहे हैं, घर की बात है तो फिर यकीन करने पड़े। कल भी मन करा रोने की नहीं किसने जादू जूदू आ चलो सारा लोहे लाए को छेती सारे को डरदा कोई डरदे नहीं बेड़ा होता जा कोई करके नहीं कोई परचुक किसाई है।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਅਸ ਆਪੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇੜਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇੜਾ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾਈ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਹੁਣ ਥੱਲਾ ਉਹ ਖੱਡਾ ਚੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਨੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਮਹਾ ਚੱਲ ਪਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ मनीषा जी ये बताइए कि अब किसी तरह का कोई डर तो नहीं है घर में क्योंकि आपके घर में और बेटियां भी हैं बच्चे भी हैं मेरे को कभी डर नहीं लगा अपने घर में जी अकेली भी रहती थी अपने घर में मेरे को कभी नहीं डर लगा रात को है मेरे को थोड़ा सा इतना ज्यादा आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कुछ डॉक्टर लोग भी ये कह रहे हैं कि लोग खुद बाल काटते हैं आपको लगता है कि इंसान खुद बाल काट सकता है पुलिस वाला आए थे असुटो आए थे उन्हें दिखाया था रात को मोबाइल में टी टू आए थे उन्हें प्लास के साथ फंगा था तो वो बोलते हैं ऐसे गंदगी वजह से आ रहे लोग ऐसे कर रहे हैं घर में गंदगी पड़ती है कुछ होता है उसकी मुश्किल वजह से आ रहे हैं आपका क्या नाम है रेखा जी आपको क्या लगता है क्या इस तरह की चीजें हो रही हैं या अंधविश्वास है पहले तो अंधविश्वास ही था लेकिन रात को यकीन हो गया कि है कुछ कुछ तो है अब आपने भी हाथ में कुछ बांधा है बांधा दिखाओ जरा क्या बांधा ये बांधा है इसके बांधने से कुछ नहीं होगा पता नहीं बस अंधविश्वास पे ही बांध लिया जैसे सबने बांधा हमने बांध लिया तो जब पहले आगे पीछे इस तरह की घटनाएं हो रही थी आपको लगता था कि सच है कि तब आपको झूठ लगता था झूठ लग रहा था कि ये सब झूठ है सिर्फ हो रहा है ड्रामा वाली अब रात को जब हुआ पता चला ही है हाँ अब आपको लगता है सही है ये चीज़ खुद बाल काटने की क्या जरूरत है इनको जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बीमारी होती है जिसके अंदर खुद बाल काटते हैं आपको लगता है कि खुद ऐसा बाल कुछ नहीं है कोई बीमारी नहीं है ठीक ठाक हम शाम को बैठे थे दोनों आपस में यही बातें कर रहे थे तो इन्होंने बोला हमारे कौन काटेगा छोटे छोटे बाल हैं कि नहीं काट सकते इन्होंने वो उतार के भी फेंक दिया अच्छा तो बस रात को 8 बजे ये पता चला कि इनके बाल कट गए मैम आपको लगता है कोई इंसान अपने बाल काटेगा खुद तो ये जो डॉक्टर कह रहे हैं कि बाल खुद काटते हैं लोग आपको क्या लगता है ये सही है आपको आपको श्योर है कि आपने किसी परछाई को देखा देखा किस तरह का आकार था उस परछाई का ऐसे आया जो बहुत लंबा मैंने बोला बिजली की लाइट है ते मेरे मैं बैठ गई बाथरूम में फिर मेरे से ना ऐसा किसना खींचा जोर से खींचा मेरे से जीवा फिर मैंने जीस मारी दो तीन खींचा लगाई मैं भाग गई वहां से मैंने बोला मैं पीछे कोई खड़ा मेरे घर वाले ने बोला मुझे कुछ नहीं है कुछ नहीं है उसने मेरे से बाल ऐसे ऐसे किए और नीचे गिर गए सारे तो जिस तरह से जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में 40 से ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं बाहु फोर्ट की अगर बात करें तो इन लोगों के मुताबिक यहां पे 2 घटनाएं इस तरह की और हो चुकी हैं और अब ये कच्चा तालाब इलाके की घटना है मनीषा देवी जी के साथ इस तरह का हुआ है उनके बाल कट गए इनका भी यही कहना है जिस तरह से रेहाड़ी की जो एक महिला थी उनका ये कहना था कि उनको कोई परछाई नजर आई और जिस तरह से कल टांगे वाली गली में हमने आपको निहारिका के घर में लेके गए थे निहारिका के फादर भी कहते हैं कि उन्होंने मोबाइल में किसी का हाथ कैप्चर किया इनका भी ये कहना है कि इनको कोई परछाई नजर आई थी डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मास हिस्टीरिया एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर लोग जो है खुद जो है बाल काटते हैं ताकि अटेंशन सीक कर सके इन लोगों का कहना है कि कोई इंसान खुद बाल क्यों काटेगा तो फिलहाल जम्मू शहर में ये एक मिस्ट्री ही बन चुकी है जिस मिस्ट्री का अभी तक कोई भी राज खुल नहीं पाया है फिलहाल जम्मू में बाल कट रहे हैं और लोग जो है इस चीज से परेशान हैं। कटरा श्रीनगर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों से इस तरह के इंसिडेंट्स की खबरें लगातार आ रही हैं। आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के साथ यू फॉर यू वॉइस के लिए।